उसका एक स्टेटमेंट था एक ट्विटर में दैट 99% ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर नल इन गिटहब. सबसे बड़ी जो मेरी जो ऑब्स्टेकल थी वो था कि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं. वहां पे बहुत सारे कोड रिकर्स रिजेक्ट ही होंगे, तुम्हारे 10 में से 2 एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तो 8 तुम्हारे गए. ऐसे नहीं होना कि भाई डीमोटिवेट, भाई मैं कुछ नहीं जानता, भाई मैं कुछ नहीं कर पाता. नहीं भाई, डीमोटिवेट नहीं होना. जहां पे मैं अनुराग से भी मिला वो है लिंक्डइन. दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ मेंटर्स, डेवलपर्स. बहुत सारे लोग यहां से वहां से बहुत सारे लोग आके अपने आइडियाज लेंगे. लेकिन अगर मेंटेनर पहले से ही देख रहा है कि तुम उस डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, भाई कोशिश करते रहनी चाहिए. प्रैक्टिस, पेशेंस, ये है द की ऑफ द सक्सेस. ठीक है, उनके साथ घूमना भी होता है, वो सब भी बहुत जरूरी है. मैं एक बार ही नहीं बोल रहा, मत घूम, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा घूमता है. हाय गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट. गाइज, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं अर्पण चौधरी. ही इज अ ओपन सोर्स विजार्ड गाइज. ही इज सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज. अर्पण ने गाइज बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले 2 सालों में किए हैं. एंड ही वॉज हैक स्क्वाड विनर इन 2023 एंड ही गॉट 22nd रैंक वर्ल्ड वाइड. He was top mentor at JWOC. He was top contributor in SWOC and Aperture by AOT. And he was mentor and project admin at CodeSpeak, IIT Patna, KWOC by IIT KGP, Ocean Collab Code Carnival and Hacktoberfest. Iske alawa guys, Arpan got 85 rank in GirlScript Summer of Code 2023. And he has also participated in hell lot of hackathons, and he was finalist of Smart Bengal Hackathon, and he was portfolio competition winner, which was by Merlin GCAK, and he was also Refine Hackathon winner. तो guys, आज के इस podcast में आपको पूरा डिटेल में पता चल रहा होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है, आप कैसे ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में अर्पण से जानने की कोशिश की है. सो गाइज, एंजॉय द पॉडकास्ट. हेलो अर्पण, टू अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट, कैसा फील कर रहे हैं? First of all, thank you for inviting me in another nice podcast, and it's really a great pleasure to be part of this podcast. And yeah, it's really a great pleasure, Anurag. So, Arpan, मैं चाहूँगा तुम थोड़ा सा अपने आप को introduce कर दो viewers को. So hi guys, my name is Arpan Chaudhary, and I am a second year student from Netaji Subhash Engineering College, CSE department. I am a front-end web developer alongside with a competitive programmer, and also I am an open source enthusiast. तो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट में हम कंप्लीट ओपन सोर्स का रोड मैप एक एक चीज डिस्कस कर रहे होंगे. तो अर्पण, मैं सबसे पहले तुमसे चाहूँगा कि ये जो ओपन सोर्स टर्म है उसको तुम एक्सप्लेन करो फॉर अ न्यू स्टूडेंट जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है. ओके, सो कमिंग टू द ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स क्या होता है? तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लाइक वी नो दैट आई एम फ्रॉम अ वेब फ्रंट एंड डोमेन. सो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, लाइक ऑन टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट. लेकिन मैं उन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकता. लाइक मैं देख सकता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तुम भी शायद कंट्रीब्यूट करो, कि इस बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. दैट इज़ द मेन प्लेटफॉर्म फॉर ओपन सोर्स स्टैक्स. दैट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे तुम खुद जाके, तुम शायद सिर्फ HTML, CSS या JS जानते हो लेकिन वहाँ पे तुम खुद जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो. दैट इज व्हाट द बेनिफिट एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ओपन सोर्स. सो कमिंग बैक टू द डिबगिंग पार्ट, सो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. एक होता है पेड सॉफ्टवेयर्स, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. पेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वहाँ पे उसका जो लाइसेंस होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करता है, वहाँ पे तुम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ठीक है, लाइक द सॉफ्टवेयर्स ऑफ रेल, लाइक द सॉफ्टवेयर्स ऑफ द मेनी कंपनीज दैट इन लाइक एजेंसीज और फैंग और मैन कंपनीज. बट अदर देन दैट कंपनीज वी ऑल्सो हैव सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स फॉर ऑल ऑफ द टेक एंथुसियास्ट, ऑल ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और ऑल ऑफ द टेक डोमेन स्टूडेंट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई देमसेल्व्स.
and see their functions, if the functions are working right on the website, on the app domain, or like in the ML part also. So yes, that's about open source. तो मैं जानना चाहूँगा अर्पण कि who can contribute to open source? क्या एक बिगिनर कंट्रीब्यूट कर सकता है ओपन सोर्स के लिए? जैसा हम जानते हैं कि डेवलपमेंट हमें आनी चाहिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के, तो कितनी लेवल के हमें डेवलपमेंट आनी चाहिए? सो हु कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स इज रियली अ ट्रिकी क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आई डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज ओपन सोर्स एंड ऑल थिंग्स. क्योंकि तुम जब पहली बार आते हो ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट में, बहुत सारे आइडियाज़ तुम्हारे आते हैं, लाइक डीए से आता है, डीए आता है, तुम्हें डेवलपमेंट करना है. लेकिन हमारा पहले जब मैंने ओपन सोर्स की तरफ मैंने इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लाइक फ्रॉम द हैक्टोवर फेस्ट वी ऑल आर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट. ओके, सो उसके बाद मैंने जाना कि गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है, गिट होता है, तो वहाँ से मैंने ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना. तो उसके बाद जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो आई केम टू रियलाइज कि तुम्हें ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई टेक डोमेन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. तुम्हें क्या चाहिए कि तुम अपना जो एंथुसियाज्म है, तुम शायद कुछ नहीं जानते, तुम 11-12 में पढ़ते हो, तुम्हें लेकिन तुम एक वेबसाइट देखते हो, तुम कुछ देखते हो एक वेबसाइट, वहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा इस वेबसाइट में ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, अच्छा ये लोड होने के बाद ये प्रीलोडर कैसे काम कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिवनेस कैसे काम कर रहा है. ओके, मैं कुछ नहीं जानता, मैं 11-12 में क्या पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री का. ओके, यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, यू आर लर्निंग द लैंग्वेज इज नाउ C++ और पाइथन, बट now you are introduced to the GitHub part. When you are going to the open source, just you have to be a tech enthusiast. You do not have to be a proficient in like the languages you are learning. No, not about that. हाँ, अब ओपन सोर्स में जाने के बाद तुम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखो, अच्छे अच्छे जो जो फीचर्स तुम देख रहे हो उसके बारे में तुम थोड़ा बहुत जानो, तुम थोड़ा बहुत उसके फंक्शनैलिटी के बारे से जानो, तो उसके बाद तुम अच्छे से जान सकते हो. तो इसके लिए तुम कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई टेक कोई मतलब टेक डोमेन के बिलोंग नहीं करना, मतलब वो होना तो सोने में सुहागा हुआ, लेकिन तुम्हारा जो एंथुसियाज्म है वो सबसे बड़ा रोल अदा करना चाहिए. तो अर्पण मैं आप चाहूँगा तुम स्टूडेंट्स को बताओ कि कैसे कोई बिगिनर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. ओके, सो एक बिगिनर को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो तुम प्रोवाइड कर सकते हो वो है गिट एंड गिटहब. दे हैव टू लर्न टू प्रीक्वेसिक्स हियर, दैट गिट एंड गिटहब. सो कमिंग बैक टू द पार्ट ऑफ गिट, तुम्हें गिट कमांड्स जानने पड़ेंगे, लाइक द लोकल प्रोजेक्ट. तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ओके, सो कमिंग बैक कि तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया है टेम्परेचर कॉन्वर्टर, ओके, तो वहाँ पे तुमने खुद से HTML, CSS और JavaScript यूज़ किया, वो तुम्हारा VS Code में है, वो तुम्हारा लोकल सिस्टम में है, लेकिन वो तुम GitHub में पब्लिश करना जानते हो. कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम्हें गिट सीखना पड़ेगा, गिट कमांड्स सीखने पड़ेंगे, लाइक गिट पुल, गिट बैश, ऐसे कमांड्स सीखने पड़ेंगे, और गिट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा. तो गिट इज नथिंग लाइक, गिट में थोड़े बहुत कमांड्स होते हैं जाते तुम अपने लोकल होस्ट से ग्लोबल होस्ट में अपना डेटा ट्रांसफर कर सको. इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज है, कोई यूट्यूब चैनल तुम रिकमेंड करना चाहोगे जहाँ से सीख सकते हैं? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लाइक कोविड हैरी है, लाइक लव बब्बर है, या तुम्हारा अपना कॉलेज है, वहाँ पे सब इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब का 10 मिनट्स या 12 मिनट्स या 15 मिनट्स, ज़्यादा वक्त नहीं लगता गिट कमांड्स एक दिन में आप सीख सकते हैं. हाँ, एक दिन में आप सीख सकते हैं. तो नाउ द मेन पार्ट इज गिटहब, दैट इज़ ए क्लाउड वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट्स को तुमने गिट से वहाँ पर ला दी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं. जब मैं एक फीचर बताना चाहूँगा वो है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक. ठीक है, जो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक होता है ना, वो होता ही है कि स्टूडेंट और टेक एंथुसियास्ट, जो मैंने पहले ही बताया कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए होता है. क्योंकि वहाँ पे अगर तुम स्टूडेंट डेवलपर पैक्स ला लो ना, तुम कुछ नहीं जानते, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, बहुत सारे टॉप डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे MNC के लोग भी होते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे तुम कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन उन लोगों के नज़र के सामने कैसे जाओगे? हाउ यू गेट द अटेंशन ऑफ योर प्रोजेक्ट? तो वहाँ पे तुम्हें हेल्प करेगा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक्स. यू कैन अनपैक ऑल द फीचर्स ऑफ गिटहब देयर, लाइक गिटहब एंटरप्राइज, गिटहब पुल कमांड्स, गिटहब का स्टार्स, गिटहब का फोक्स, इतने सारे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वहीं पे तुम सीख सकते हो. उसके बाद तुम्हें खुद से गिटहब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूट डेली बेसिस में करना पड़ेगा. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्वेंटली भाई रोज कॉन्ट्रीब्यूट कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं,
दिन में मतलब हफ्ते में 3 दिन करो, ठीक है, 3 दिन छोटे मोटे ही करो, क्योंकि बिगिनर अच्छे से 3 दिन ही करो, दैट्स एनफ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो रेट है वो बढ़ाते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट्स कैसे खोजे? सो कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट कैसे खोजे, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मैंने भी पहले पहले बहुत फेस किया था कि तुम गिटहब में सर्च कर सकते हो क्या क्या प्रोजेक्ट्स तुम्हें वेब डेवलपमेंट जानते हो, या मैं जैसे वेब डेवलपमेंट के डोमेन से उतना वेब डेवलपमेंट के बारे में आता हूँ। तो मैंने एक प्रोजेक्ट खोजा, लेकिन उसमें इतने सारे टेक्स्ट टैग्स थे, मैं उतने सारे टेक्स्ट टैग्स जानता ही नहीं, लेकिन मैं कैसे प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा? तो दैट्स वेयर यू कैन हेल्प विद द कम्युनिटीज। वहाँ पे कम्युनिटी बहुत बड़ा अदा प्ले करता है। लाइक तुम्हें बहुत सारे कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करना, अपना फ्रेंड कम्युनिटी ज्वाइन करो, ठीक है, अपना कॉलेज का फ्रेंड कम्युनिटी ज्वाइन, वहाँ पे देखो कौन 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 लड़का और कौन कौन स्टूडेंट्स उतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स में जाओ, उसके प्रोजेक्ट्स में जाके ढूंढो कि तुम कौन से फीचर्स नहीं जानते, ए फीचर्स तुम नहीं जानते, वो फीचर तुम नहीं जानते, ओके, तो इसको नेट में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, गिटहब में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, वहाँ पे जाके जानो कि ए फीचर्स कैसे ऐड होता है। यू कैन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन सम डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, ठीक है, बहुत सारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज है, MLH शायद नाम सुन रहे हैं, मेजर लीग है का उसका डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, OutTG होता है, ICPC होता है, इतने सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा जहाँ पे मैं अनुराग से भी मिला वो है LinkedIn। दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वायर यू कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ मेंटर्स डेवलपर्स। आई थिंक अनुराग ज़्यादा अच्छा बता जाएगा हम दोनों कैसे मिले LinkedIn। गाइज मैं CSE डिपार्टमेंट से था फर्स्ट ईयर में और अर्पण IT डिपार्टमेंट से था। अर्पण ने अभी ब्रांच पे अपग्रेड कर लिया, वो CSE में आ गया एंड बी ए गाइज आर नाउ इन सेम सेक्शन। तो अर्पण और मैं मिले LinkedIn पे। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैं पोस्ट देखता था अर्पण के दैट ही इज डूइंग ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो रियली इट मोटिवेटेड मी। मेरे को ओपन सोर्स के बारे में, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे पोस्ट से ही पता चला एंड मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉलेज बट डिफरेंट ब्रांच। तो मैंने भी देख करके स्टार्ट किया ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एक क्यूट है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो हो सकता है कि आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो आपके आस पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उतना अच्छा आपको पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वो अच्छा पीयर ग्रुप LinkedIn पे मिलेगा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप एक LinkedIn प्रोफाइल ज़रूर बनाएं एंड LinkedIn वो आपको माहौल देता है जिससे आप एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। कुछ लोगों का आजकल माइंडसेट है, मतलब सेल्फिश काइंड का माइंडसेट है कि मैं अकेले ही पढ़ूँ, अकेले ही ग्रो करूँ। मेरा मानना है कि हमारा एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट होना चाहिए, एक टीम वर्क पे हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि LinkedIn ट्विटर यहाँ पे मिलता है। सो डू मेक योर प्रोफाइल ऑन LinkedIn एज वेल एज ट्विटर, इससे आप बहुत ग्रो कर रहे हो। एग्जैक्ट। तो अर्पण मैं आप चाहूँगा कि तुम स्टूडेंट्स को बताओ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वो क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर कोई ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ओके, सो बहुत देर तक हम लोगों ने बात कर ली है कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ओपन सोर्स कहाँ पे कर सकते हो, ओपन सोर्स के लिए प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हो, कौन कर सकते हो। नाउ बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में ऐसे मतलब माइंड में चला, मैं DSA भी कर रहा हूँ, मैं अब कॉलेज की स्टडीज कर रहा हूँ, उसके बाद ओपन सोर्स भी करना पड़ेगा? भाई ये अलग कुछ भी नहीं है। तुम DSA कर रहे हो ना, तुम DSA का ही लिंक ढूंढो ना GitHub में, वहीं पर जाओ, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो बेनिफिट्स जो अनुराग बता रहा था, मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ। एज लाइक आई एम अ बिगिनर नाउ, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ DSA के बारे में, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, मैं गया ओपन सोर्स में, देयर यू कैन फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिटी, द बेस्ट कम्युनिटी यू कैन गेट। वहाँ पे जाके तुम यही नहीं सोच सकती मैं ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ, वहाँ पे जाके मैं जॉब क्रैक कर लूँगा, वो नहीं होता। उसके लिए तुम्हें DSA करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें CP करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें डेवलपर बनना पड़ेगा। वहाँ पे जाके तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे जाके जो कम्युनिटी तुम्हें पाती है, जो अगर तुम एक कंपनी, अब जो डिसीजन चल रहा है हम उसके बारे में शायद बात कर सकते हैं, जो डिसीजन चल रहा है उसके बारे में बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपनी से ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन तुम अगर ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहो ना, उसके साथ साथ तुम सिर्फ
टेक स्टैक्स नहीं जान रहे, तुम बहुत सारे टेक स्टैक माइंड्स के भी साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तुम्हारे जो मेंटर्स है, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट एडमिन्स है, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट मेंटेनर्स है, तुम्हारे जो फेलो डेवलपर्स है, उसके साथ भी तुम्हारे बात हो रही है। ऐसी बात हो रही है कि भाई मैंने थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भाई CSS प्रीलोडर यूज किया, मैंने बोला कि नहीं भाई मैं थोड़ा मीडिया क्यूरी यूज करूँ भाई, इसके साथ अच्छा होता है, तो मैं ऐसे किया ना, मैं उसने बोला भाई मैं CSS फ्रंट के लिए भाई पॉपिंग्स यूज कर रहा हूँ, मैंने कुछ बोला और एक स्टाइल यूज कर रहा हूँ, इतने सारे माइंड्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ फ्रीलांसिंग ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो गेट अ रेफरल कंपनी में, फैंग में या मैंग में जाने के लिए रेफरल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गेट हियर। लाइक तुम मेंटर्स के साथ बात कर रहे हो, तुम मेंटेनर्स के साथ बात कर रहे हो उसके साथ, और एक बात है पोलाइटली बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करो, ठीक है, जाते और तुम्हारी भी इतने सारे, अगर कोई मेंटेनर देखेगा ये मेरे रिपो में एक्टिवली 6 मंथ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके लिए भी तुम्हारा तुम्हारे उसके दिल में भी तुम्हारे लिए एक इंप्रेशन पड़ेगा कि अच्छा ये अच्छा टेक्स्ट है, अच्छा ऐसे ही कुछ। और गाइस बहुत सारे स्वैग्स मिल रहे होते हैं आप अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपन ने कॉइन की टी शर्ट एंड कैप पहनी हुई है, तो इस तरह के बहुत सारे पर्क्स आपको मिल रहे होते हैं। तो अर्पण अब मैं चाहूँगा तुम स्टूडेंट्स को बताओ वो सारे ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन होते हैं, तुम बहुत दिन तक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन जब तुम अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते, लाइक मैं बोल रहा हूँ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ 5, वहाँ पे 4 लोग ही बैक बेंचर हैं और तुम थोड़ा बहुत जानते हो, वहाँ पे तुम मैथ्स एग्जाम में 25 में तुमने 15 पोस्ट स्कोर किया, तुम टॉपर बन गए, ठीक है, वहाँ जो रेस्ट ऑफ द पीपल दे हैव गेट 5 मार्क्स, वहाँ पे तुम आके समझो कि आई एम द टॉपर, आई कैन बीट ऑल द मार्क्स इन द एग्जाम, बट व्हेनेवर यू अपीयर इन द एग्जाम्स देयर एवर यू गॉट 75 मार्क्स एंड यू थिंक दैट यू गेट बी अ टॉपर, बट the highest marks is 100 out of 100 and there you get demotivated, but यहाँ पे open source में demotivated नहीं होना है, उसके लिए क्या करना है, मैं competition में participate करना है। तो the main part the beginner के लिए बहुत अच्छा जो competition होता है वो है October Fest, वो हर साल October में full 1 month long होता है, ठीक है, उसके लिए तुम कुछ paid नहीं करते, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं वहाँ पे, तुम्हें 4 सिर्फ पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है मैं थोड़ा ये यहाँ बता दूँ, ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स को देखे कि यू कैन डेवलप दैट, व्हाट आर द टेक्स्ट टैग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वेबसाइट्स, ओके, उसके बाद तुम देखे कि उसमें कुछ कुछ इश्यूज जो मेंटेनर है उसने ही थोड़ा बहुत इश्यूज जो है उसने डिस्प्ले कर दिया कि वहाँ पे दिस बटन इज नॉट वर्किंग, ओके दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिव, दिस द प्रीलोडर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो तुमने क्या किया कि प्रीलोडर ने वहाँ पे जाकर कमेंट किया कि सर कैन यू गिव मी सम टाइम और कैन यू प्रोवाइड मी सम टाइम सो दैट आई कैन वर्क ऑन दिस इशू, उसने बोला ओके यू हैव गॉट 5 डेज यू कैन वर्क ऑन दिस इशू, तो तुमने प्रीलोडर देखा यूट्यूब में, उसके बाद किया, तो उसके बाद तुमने किया, उसके बाद तुमने तो गिट मैंने सीखने को बोला पहले भी, आई हैव प्रायर मेंशन दैट कि तुम्हें गिट सीखना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुमने गिट क्लोन किया अपने लोकल प्लेटफॉर्म में, तुम्हारा प्रोजेक्ट लाया, उसके बाद तुमने फंक्शन ऐड भी किया प्रीलोडर, लेकिन हाउ कैन यू ऐड दोज फीचर्स इन द मेन वेबसाइट, वहाँ पे जाकर काम करेगा पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, गिट पुल करके, और बहुत सारे फंक्शनलिटीज तुम वीडियोज देख सकते हो, और गिट पुल करके तुम उसको पुल रिक्वेस्ट अपना ब्रांच बना के वो अपना गिटहब में रख सकते हो फॉर्म के, उसके बाद तुम पुल रिक्वेस्ट करोगे, वो मेंटेनर जो है वो देखेगा कि अगर ये जो फीचर्स इसने ऐड किए ये मेरे वेबसाइट्स के लिए ठीक है कि नहीं, अगर किया तो वेल एंड गुड, और नहीं किया तो तुम्हें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, तुम अपने आप से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द कॉम्पिटिशन पार्ट, तो बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होते रहते हैं, सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट हैक्टोबर फेस्ट जो अक्टूबर मंथ में होता है, ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे मैं अपना ही कॉलेज का बता दूँ, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का एक विंटर ऑफ कोड का कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, लास्ट विंटर में भी हुआ था, तो वहाँ पर भी तुम सिर्फ अपने कॉलेज से ही, मतलब अपना कॉलेज के कॉम्पिटिशन में ही पार्ट ले सकते हो, ऐसे नहीं, तुम कोई भी कॉलेज के हो तुम अपने हमारे कॉलेज के ही कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो। या इसके बाद होता है तुम्हारा हैक स्क्वाड, बट हैक स्क्वाड इज अ ग्लोबल इवेंट,
वहाँ पे शायद 400 या 500 कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, वहाँ से बहुत सारे डेवलपर्स आते हैं, ठीक है। सो हैक्सपॉट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इवेंट, ठीक है। उसके बाद होता है MLH, मेजर लीग हैकाथॉन, उसका भी एक होता है, एक होता है ICPC होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है हम लोग सब लोग जानते हैं वो है गूगल समर ऑफ कोड, और एक होता है गूगल डॉक्यूमेंट ऑफ कोड, ठीक है। तो गूगल समर ऑफ कोड में तुम्हें अच्छा एक रोड मैप लाना पड़ेगा, लाइक गूगल समर ऑफ कोड इज द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। उसके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो किस किस में, GSS उसी एक होता है, गर्ल्स की समर ऑफ कोड, ACS उसी होता है, सोशल समर ऑफ कोड, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट्स में एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है समर ऑफ कोड, एक होता है विंटर ऑफ कोड, ठीक है। तो समर ऑफ कोड में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है GSS OC, SWOC, ठीक है। और अगर विंटर ऑफ कोड में जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हें SWOC मिलेगा, सोशल विंटर ऑफ कोड। उसके बाद तुम्हें मिलेगा कोड पिक जो IIT पटना कराती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें KWOC जो IIT खड़गपुर कराती है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा JWOC जो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज कराता है, और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं अपने आप में ही, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी कराते हैं जहाँ पे तुम पा सकते हो। मैंने लास्ट ईयर किया था उससे करके एक प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स एंथुसियास्ट नेटवर्क, उसने किया था कोला कोड कार्निवल, वो था शायद अक्टूबर के महीने में किया था, ठीक है। वहीं भी तुम कर सकते हो। और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर होकर क्वाइन का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो पार्ट था ना कि कहाँ पे प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि जब तुम डिस्कॉर्ड में जाओगे या तुम लिंक्डइन में जाओगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेगा तुम्हें, तुम तो ढूंढला भी सकते हो, भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं कैसे ढूंढू। तो गिटहब का जो लिंक्डइन है, गिटहब का लिंक्डइन है वो है क्वाइन, वहाँ पे बहुत सारे मेंटेनर्स अलग अलग सेगमेंट करके, लाइक तुम नहीं चाहते मैं ईमेल करूँ, मैं चाहता हूँ मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करूँ, तुम वहाँ पे जाके सिलेक्ट करो भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वहाँ पे जाके तुम सारे प्रोजेक्ट लिख सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के। तो वहाँ पे जाके एंड दिस इज लाइक नॉट लाइक वो, जब तुम गिटहब खोलोगे ना वो बहुत ज़्यादा डल लगेगा क्योंकि बहुत सारा कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब तुम क्वाइन खोलोगे तो देयर इज लाइक लिंक्डइन, लाइक कूल UI, कूल फीचर्स, ओके, यू कैन गेट ऑल्सो बैजेस अवर देयर, डिजिटल बैजेस ऑब्वियसली। एंड आफ्टर दैट तुम बहुत सारे क्वेस्ट होते हैं, ठीक है, मंथली क्वेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है क्वाइन में, कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए होते हैं, वहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इफ यू कुड विन दैट यू कैन विन सम ऑफ द स्वैग्स दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। आई होप व्यूअर्स को बहुत क्लैरिटी मिली होगी। तो अर्पण, जैसे कि तुमने बताया GSOC के बारे में, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है ओपन सोर्स का, तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा डिटेल में तुम एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को कि GSOC क्या होता है। ओके, सो GSOC इज बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड दैट इज ऑर्गेनाइज बाई गूगल इटसेल्फ। ओके, इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ लाइक रजिस्ट्रेशन, जो ओपनिंग जो प्रोपोजल ओपन होते हैं, इस साल ओपन हुए थे 22 February से 6 March तक प्रोपोजल्स ओपन थे। उसके बाद अब जाके प्रोपोजल सबमिशन चल रहे हैं, इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा, एंड इट मे बी आपको अगस्त या सेप्टेम्बर, उसके बाद अक्टूबर में शायद रिजल्ट रिलीज हो जाता है। तो मैं थोड़ा बता दूँ कि गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है। अलग अलग जो कॉम्पिटिशन होते हैं, लाइक अदर कॉम्पिटिशन आई हैव मेंशन, लाइक GSS OC, SWOC, SS OC, वहाँ पे जाके तुम कोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तुम वहाँ पे जाके कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, और तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूट अगर अच्छा लगे तो पुल रिक्वेस्ट मार्च हो जाता है, तुम पॉइंट्स पा सकते हो, लीडर बोर्ड में अपग्रेड हो सकते हो। लेकिन GSOC इज डिफरेंट शेप ऑफ दैट। GSOC करने के लिए पहली बात, कुछ कुछ पर्क्स है GSOC करने के, तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, द टॉप डेवलपर्स फॉर FANG यू कैन इंटरेक्ट विद, द टॉप मेंटेनर्स यू कैन इंटरेक्ट विद, एंड द मेन बेनिफिशियल पार्ट, यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड, वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड, यू कैन नॉट बिलीव दैट दैट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड यू आर ऑफरिंग अबाउट दैट। ओके, सो ये सारे पार्ट्स हो, रफली बता सकते हो कितनी स्टाइपेंड की वो अपर लिमिट या लोअर लिमिट होती होगी? $5,500 approximately. It is really a big amount. तो मैं चाहूँगा अर्पण की एक डिटेल रोड मैप तुम स्टूडेंट्स को दो कि how anyone can get into GSOC. So मैंने भी अब तक GSOC के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं जो रोड मैप मैं फॉलो करता हूँ, मैं ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं रोड मैप मैं फॉलो कर रहा था ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, मैंने इस साल GSOC में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैं जो रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ। सो GSOC का मैंने बहुत सारे रोड मैप्स देखे हैं, तो उसके बाद मैंने जाकर खुद का एक जो है रोड मैप बनाया। तो GSOC में मैं पहले कोड लैंग्वेजेस बता दूँ जो तुम्हारे
बारे में जानते हैं, ठीक है। जी सॉक में देयर आर लाइक फोर इफेक्टिव लैंग्वेजेस यू हैव टू लर्न, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। दैट फोर आर द मेन लैंग्वेजेस द मेन कंपनीज आर यूजिंग राइट नाउ, लाइक नाउ कपल ऑफ मंथ्स। सो ऐसा नहीं है कि मैं चार लैंग्वेजेस सीखना जरूरी है, ठीक है। मैं एज अ वेब डेवलपर मैं फॉलो करता हूँ भाई, मैं टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, ठीक है। अगर तुम एमएल के बैकग्राउंड से हो तो पाइथन सीख सकते हो, ठीक है। तुम्हें डीएसए करना है, सीबीपी करना है, तुम जावा या सी प्लस प्लस से रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें चार लैंग्वेजेस जानने की कोई जरूरत नहीं, एक लैंग्वेज फॉलो करना इज मोर देन इनफ। सिलेक्ट दैट लैंग्वेज व्हिच यू वांट, व्हिच यू प्रेफर, एंड देन डीप डाइव इनटू इट। डीप डाइव इनटू इट लाइक तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, अब शायद तुम्हें एम करके चलो कि फेब्रुवरी में मेरे प्रोपोजल सबमिशंस ओपन होंगे, ठीक है। अक्टूबर महीने से हमें स्टार्ट करना है। अक्टूबर महीने में मैंने जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया। मैं कुछ भी नहीं जानता, शायद मैं बहुत बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जानता हूँ। तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया। दो महीने, तीन महीने, यू कम इंटर मंथ ऑफ दिसंबर, ओके दैट्स एनफ, सीख लिया तुमने, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए। नाउ इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो तुम कैसे ढूंढोगे। 2024 के प्रोजेक्ट्स तब तक अनाउंस नहीं होते दिसंबर तक, क्योंकि इवेंट स्टार्ट हो गए अब फेब्रुवरी, दो मंथ और गैप है। तो क्या कर सकते हो, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 2023, ओके। दो ऑर्गेनाइजेशन चूज करो तुम्हारे टेक्स्टेक के अकॉर्डिंग, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन चूज करो, वहाँ पे जाके कोड देखो, कोड समझो क्या हो रहा है, वहाँ पे जाके टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के छोटे मोटे इशू सॉल्व करने से स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता अपना जो कोडिंग रेट है बढ़ाओ, वहाँ पे जाके कॉन्ट्रीब्यूट करो थोड़ा थोड़ा। मैंने जो बोला था कि सात दिन में तीन दिन या चार दिन वहाँ पे जाके कॉन्ट्रीब्यूट करो, तो तीन दिन या चार दिन तुमने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। नाउ इज द मंथ ऑफ जनवरी एंड और फेब्रुवरी स्टार्ट, नाउ 22nd फेब्रुअरी से तुम्हारा जी सॉक स्टार्ट होगा, ओके। अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल नाउ गोइंग इनटू आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ से बहुत सारे लोग आगे अपने आइडियाज लेंगे। लेकिन अगर मेंटेनर पहले से ही देख रहा है कि तुम उसके, एंड डू नॉट फील द मेंटेनर दैट यू आर हियर ओनली फॉर जी सॉक, ऐसा फील कर रहा हूँ कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट अच्छा लगा मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट फील दैट कि मैं जी सॉक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जी सॉक के लिए ही कर रहा हूँ, डू नॉट फील दैट, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मेंटेनर्स आएंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, लेकिन तुम पहले से कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना जो कोडिंग रेट है वो इतना एग्रेसिव कर दो, लाइक मैं 4 days कर रहा था, 5 days करो, 5 days करो, 6 days करो, अपना जो पोटेंशियल रेट है वो बढ़ाओ कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। एंड उसके बाद तो प्रोफेशनल सबमिशन का मंथ आ जाएगा। तो आई कैन क्लियरली टेल यू वन थिंग, अगर 100% तुम्हारा चांस है तुम्हारा प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए, उसके में 80% काम आता है तुम इतने सारे कंट्रीब्यूशन किए अब तक गिटहब तक, ठीक है। 10% आता है प्रोजेक्ट मेंटेनर का, क्या मेंटालिटी है तुम्हारी तरफ, और बाकी 10% सिर्फ आता है प्रपोजल सबमिशन में। प्रपोजल इतने सारे लोग नहीं देखते, तुम्हारा वो पहले प्रपोजल खोलेंगे, उसके बाद तुम्हारे गिटहब अकाउंट में जाएंगे, तुम क्या क्या प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट किए हो वो देखेंगे। दैट इज वॉट मैटर्स, दैट डजंट मैटर कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मेंटेनर के साथ कितना अच्छा संबंध है, ठीक है। दैट डजंट मैटर कि तुमने जी सब के लिए कितने सारे टेक्स्टाइल्स किए, दैट वॉट मैटर्स कि तुम्हारा प्रोपोजल सबमिशन में कितना अच्छा लिखा हुआ है और तुमने कितने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए, ठीक है। सो अर्पण, अब मैं चाहूँगा तुम स्टूडेंट्स को बताओ कि वो कौन से डूज हैं और डोंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हुए। सो मैं कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में ला के रहा हूँ, ठीक है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मैं जब फर्स्ट ईयर में था, जब मैं हैक्टोबर फेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर क्लब फिनिक्स क्लब एंड जीडीएससी क्लब, ओके। सो जब मैंने इंट्रोडक्शन किया गया तो मैं बहुत सारा कुछ नहीं जानता था। मैंने हैक्टोबर फेस एंड होते होते सब इतना तक जाना था कि इश्यूज होते हैं, गिट के थोड़े बहुत कमेंट्स, पुल रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जब तुम खुद से, मतलब कुछ कंपटीशन नहीं है, जी सॉक नहीं है, जी सोसी भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तुम खुद से जाओ, ठीक है। खुद से जाके अगर तुम कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहो, एक प्रोजेक्ट तुमने ढूंढा, ठीक है, छोटा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन तुम उतना भी नहीं जानते, डोंट बॉदर, जस्ट डोंट बॉदर।
लाइन बाय लाइन उस कोड को देखो। वो जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं ना वो कमेंट डाउन कर देते हैं कि इस फंक्शन को यह इस पार्ट तक मैंने डिफाइन किया। उस कोड तक जाओ, उस कोड को देखो, वहाँ तक जाओ, ठीक है, उस फीचर को यूट्यूब में सर्च करो, उस फीचर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उस फीचर्स के अलग लोग और क्या क्या गिटहब में क्या क्या कर रहे हैं, तुम खुद से भी उसका इम्प्रोवाइजेशन कैसे कर रहे हो वो देख, ठीक है। ए होता है एक पॉइंट, वो है गो विद द फ्लो, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, तुमने स्मॉल प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया, नाउ यू आर गोइंग फॉर द बिगर डेटाबेस, ठीक है। तुम बूटस्ट्रैप की तरफ जा रहे हो, तुम टाइपस्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हो, तुम जेवीएक्ट की तरफ जा रहे हो, बेसिकली तुम मर्न की तरफ जा रहे हो, मर्न जो वेब स्टैक होता है, ठीक है, मोंगोडीबी जो अलग अलग एक्सप्रेस नोड जेएस बैकएंड के लिए होते हैं, वहाँ पे जा रहे हो। वहाँ पे तुमने बहुत बिगर एक डाटाबेस वाला प्रोजेक्ट देखा, ठीक है। अब उसके तो बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है, तुम उतने सारे फाइल्स तो नहीं रख सकते भाई। उसके सारे फाइल्स पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें ऐसे तो नहीं बोलेगा कि भाई तुमने लाइन बाई लाइन पढ़ा, ठीक है, उसके ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होगा भाई इसमें वो बटन के हाथ क्या तुमने बोला भाई इस फाइल में 63 नंबर पे ऐड किया, वो तुम्हारा कुछ काम का नहीं ले जाने वाला, ठीक है। वहाँ पर तुम्हें क्या जाना है, उसका एक लाइव होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, वो लाइव होस्टिंग नेटिफाई में हो सकता है, वर्चुअल में हो सकता है, इट्स गिटहब में भी हो सकता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में जाओ, वो वेबसाइट अच्छे से देखो, कोड घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेबसाइट अच्छे से देखो, लुक एट द डिजाइन फ्लो। ए बटन में क्लिक कर रहा हूँ, इस पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा मैं होम पेज से नीचे आया तो नैप पार्ट का जो डिजाइन है वो अलग हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा अलग अलग रेस्पॉन्सिवनेस में अगर मैं शूट करूँ, अलग अलग रेस्पॉन्सिवनेस होता है, क्यों हो रहा है, नहीं कोड में नहीं जाना, डिजाइन देखो सर, ठीक है। उसके बाद वो डिजाइन को अपने दिमाग में लो, एक कॉपी लेके बैठो, एक फ्रेश पेज लो, एक वाइट पेज लो, उसका डायग्राम बनाओ। जब मैं भी खुद से वेबसाइट बनाता हूँ तो वेबसाइट बनाना इज काइंड लाइक अ ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें HTML CSS ऐड करना है उसके बाद तुमने कॉपी लिया, वहां पे स्क्वायर करो, स्क्वायर के बाद करो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ज्यादा फीचर्स, टेस्टिमोनियल्स और अदर थिंग्स यू कैन ऑल्सो ऐड। वहाँ पे तुम कुछ कुछ पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, उसका डिजाइन बनाओ। फिर बहुत सारे वेबसाइट देखो, सर्च करो इस फीचर्स में ऐसा ऐड हो रहा है, कोड नहीं देखने की जरूरत है, कोड वहाँ पे देखो जब तुम्हारा डिजाइन रेडी है, अब मैं यहाँ यहाँ कर सकता हूँ। अब फंक्शनलिटी है, तुम्हें चाहिए जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, वहाँ पे जाकर फंक्शनलिटी लाइक तुम एक बटन ऐड करना चाहते हो, उसको काम कराना चाहते हो, तुम एक साउंड इफेक्ट चाहते हो, ठीक है, तुम उसके बाद तुम प्रीलोडर चाहते हो, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कमांड्स देते हो, ठीक है। तो को एक डाटा फ्लो हो गया, अब बिगर डेटाबेस के भी साथ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ डूज है जो करना चाहिए। डोंट्स, व्हाट आर द डोंट्स? एबार इसके बाद आते हैं डोंट्स। सो इसके बारे में मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जो लोग बहुत दिन से ट्विटर या लिंक्डइन में या यूट्यूब में एक्टिव रह रहे हैं फॉर द कपल ऑफ मंथ्स, लाइक आई थिंक 3 months, ठीक है, वहाँ पे तुमने एक वीडियो बहुत वायरल जाते हुए देखा होगा, आई थिंक द डेवलपर नेम इज 303GG, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट रिमेंबर राइट नाउ, बट उसका एक स्टेटमेंट था आई थिंक ट्विटर में, दैट 99% ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर नल इन गिटहब। क्यों? मैं पहले बार जब मैंने देखा, मैंने यूट्यूब चैनल में देखा था कि वो इस सब के लिए डिस्कस कर रहा था, मैंने वो पोस्ट भी देखा। बहुत सारे लोग हैं ना जो पहले पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैं सभी सेकेंड ईयर में हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना दो चीज़ें करते हैं उसको कोड। मैंने जब बोला कि तुम्हें टेक एंथुसियास्ट होने की ज़रूरत है, तुम्हें कोडिंग ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें कोडिंग सीखनी तो पड़ेगी कभी ना कभी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है टाइपोफिक्स, एक होता है .md फाइल में कॉन्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। अब टाइपोफिक्स क्या होता है? टाइपोफिक्स इज काइंड ऑफ फिक्सिंग लाइक ग्रामेटिकल चेंजेस, इज काइंड ऑफ फिक्सिंग लाइक ये अलाइनमेंट अच्छा नहीं हुआ, लाइक इट इज नॉट अ कोड स्टैक चेंज, लाइक तुम चेंज कर रहे हो readme.md में, contributing.md में। मैं एक बात बोल दूँ, पहले पहले एक दो महीने तीन महीने दे आर जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटेशन, वो वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होते, डू नॉट एवर गेट इन टू द टाइपोफिक्सिंग पार्ट। वो जो डेवलपर है उसने सही बोला कि जब फर्स्ट ईयर के जो लोग होते हैं ना, अब ओपन सोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है, मतलब पहले ओपन सोर्स था लेकिन बहुत सारे लोग से CA DA
मतलब DSA वहाँ पे जाते थे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे CP करते थे। अब ओपन सोर्स इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोग रुक रहे थे, मतलब एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो लोग कोड स्टैक नहीं समझ रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, रीडमी में मैंने एक देखा, रीडमी क्या कर रहे हैं, एक जगह में स्मॉल, मतलब वो जो होता है स्मॉल में ए है, उसको उसने अपर कैप्स कर दिया, सिर्फ वो वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक चीज, तुम्हें कोड समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो, दूसरा एक प्रोजेक्ट देखो, ठीक है। रीडमी या contributing.md नहीं होती है कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है, वो इसलिए जो डेवलपर्स होते हैं इसलिए देते हैं कि तुम्हें वो कोड स्टैक पढ़ने के पहले तुम अपना एक ओवरव्यू बना लो कि ये प्रोजेक्ट में ए होता है, इस टेक स्टैक्स है, इस फीचर्स है। और contributing.md क्या होता है, contributing.md में तुम पढ़ सकते हो कैसे कैसे तुम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो उस रिपो में, वहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन के लिए होता है, वो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं होता, ठीक है। और एक बात जब आई बात गई है कि रेडमी और contributing.md की, तुम अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड करो, ठीक है, रेडमी ऐड करो, contributing.md ऐड करो, ऐसे हेल्प होता है, तुम हेल्प अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर रिपो, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऐड करनी चाहिए। एंड वन थिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइप फिक्सिंग मत करो, इंडियन कम्युनिटी का नाम मत डुबाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, GSSOC जो GSOC होता है ना, गूगल सेवन ऑफ कोड में, इंडिया से ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स स्टाइपेंड पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे ए नहीं, वर्ल्ड के सामने होना चाहिए कि 99% कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, जब मैं शुरुआत किया था ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेरे को ये डूज और डोंट्स नहीं पता थे, तो मैंने एक मेरे को प्रोजेक्ट मिला, मैंने बिना इशू रेज किए मैंने चेंजेस किए, एक फीचर ऐड किया, एक नया वेब पेज ऐड किया था, और मैंने सीधे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, तो फिर मेरे को मेंटेनर से आया कि इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, यू शुड फर्स्टली क्रिएट द इशू, फिर मैं तुमको उसे असाइन करूँगा, तो फिर मैंने इशू क्रिएट किया, देन असाइन हुआ मेरे को, फिर मेरा वो कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये डूज और डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको वाइल डूइंग द ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अर्पण, अब मैं चाहूँगा तुम अपनी पूरी जर्नी थोड़ा सा बताओ व्यूवर्स को, जैसा कि तुमने हैक स्क्वाड में तुम्हारी टीम की रैंक 22nd आई थी पूरे वर्ल्ड में, यू वर मेंटर इन JWOC, यू गॉट आई गेस 48th रैंक इन SWOC, 85 रैंक, तो इतने सारे अचीवमेंट्स तुमने बहुत कम समय में अचीव कर लिए, तो पूरी जर्नी मैं तुम्हारी जानना चाहूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग बैक टू द अर्लियर डेज इन माय 11 और 12, आई वाज फ्रॉम अ PCB बैकग्राउंड, ठीक है, तो मेरा बायो था, आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन माय 11 और 12, मैथ्स था, आई वाज मैथ्स वाज माय फोर्थ सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं पहले नीट एंथुसियास्ट था, नीट जो मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, तो मैंने WBJEE ऐसे ही दिया था, लाइक टू प्रैक्टिस माई फिजिक्स और केमिस्ट्री स्किल्स, ठीक है, एंड JEE मेन भी दिया था, तो मैं टेक एंथुसियास्ट उतना ज़्यादा नहीं था तब, ठीक है, तो उसके बाद आई हैव क्रैक्ड द नीट, ठीक है, लेकिन somehow I have cracked JEE मेन एंड WBJEE एंड आई हैव गॉटन चांस फ्रॉम काउंसिलिंग इन नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज IIT डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड जब मैंने पहले घुसा कॉलेज में, तो ये मेरे लिए बहुत नया एनवायरनमेंट था, ठीक है, फ्रॉम 11 और 12 एंड आफ्टर यू गेट एंटर इन द कॉलेज, ठीक है, लाइक अ फिश फ्रॉम अ पॉन्ड इज ड्रॉप्ड इनटू अ ओशन, ठीक है, लाइक बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे, मतलब इतने सारे, और सबसे बड़ी जो मेरी जो ऑब्स्टेकल थी वो था कि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं, ठीक है, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी, ठीक है, बहुत लोग होती है, बहुत लोग सोचते हैं कि 11-12 में हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो थोड़े से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उनको फील होता है, तो फिर लेकिन जो तुमने बोला मुझे भी फील हुआ था, लाइक मैं बहुत आउट ऑफ जोन फील करता था, क्योंकि जब मैंने सब लोगों से मिला IIT डिपार्टमेंट, या मेरे सर भी थे, तो वो लोग ऑलरेडी जानते हैं या C++ जानते हैं या पाइथन जानते हैं या फिर जावा जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो तुम्हारे प्रोफेसर हैं ना, वहाँ उसके साथ तुम बात करो, ठीक है,
देयर इज नथिंग लाइक बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो क्या हुआ, पहले भी जब था वहां पर तो कंप्यूटर साइंस इतना ज्यादा एंथुसियास्ट लोग नहीं थे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो वहां पे लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते थे, ठीक है। तो वहां पे मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कम्युनिटी में पूछा भाई कैसे करते हैं, वह बहुत अर्ली एडेज लाइक फ्रॉम द सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ से मैंने वहाँ पे, हमारे जो फर्स्ट ईयर्स में होते हैं वहाँ पे बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोडिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कोडिंग सब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड सेम, डीएसएस स्टार्ट्स, सी लैंग्वेज स्टार्ट्स, ओके। तो मैंने पहले पाइथन स्टार्ट किया फ्रॉम माय फर्स्ट सेम, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कैसा होता है, मैंने सिर्फ दो चार यूट्यूब वीडियोज देखे कि पाइथन बहुत ज़्यादा टेक वर्डिंग स्टैक, तो मैंने पाइथन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पाइथन सीखा, उसके बाद तो सेकेंड सेम में आई गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद थर्ड सेम में इससे पाइथन भी था, अब मैं सी प्लस प्लस और जावा भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या होना चाहिए, अपने आप में एंथुसियाज्म होना चाहिए। लाइक इन ओपन सोर्स, मैं अब तक जो बात कर रहा था ओपन सोर्स के बारे में, बहुत सारे तुम पुल रिक्वेस्ट करोगे, वहां पे बहुत सारे पुल रिक्वेस्ट रिजेक्ट ही होंगे, तुम्हारे 10 में से शायद 2 एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तो 8 तुम्हारे गए। ऐसे नहीं होना कि भाई डीमोटिवेट, भाई मैं कुछ नहीं जानता, भाई मैं कुछ नहीं कर पाता, नहीं भाई डीमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें क्या करना है भाई, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है भाई, कोशिश करते रहनी चाहिए, प्रैक्टिस पेशेंस ए हैज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। अब मैं पहले जब फर्स्ट ईयर में था, अगर मैं छोड़ देता कि भाई मैं बायोस बैकग्राउंड से हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं आता भाई, लेकिन मैंने क्या कहा भाई, अब जो इंजीनियरिंग में चांस पाया हूँ, जो मैंने रैंक की है, मैंने इतना अच्छा एक कॉलेज पाया है भाई, चलो भाई करेंगे भाई, नया चीज़ है सीखने का, मजा तो आएगा भाई, एग्जाम में कितने मार्क्स आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरव्यू में तुमसे ये नहीं पूछेगा भाई तुम्हारा एचसीपीए क्या था, वो हो गया भाई एसीबीए का एसीबीए में हो गया, इंटरव्यू में तुम क्या कर सकते हो, वहां पे तुमने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो टेक स्टैक्स के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, कितनी अच्छी तुम्हारी जो स्किल्स है, जो वोकैबुलरी स्किल्स है, तुम्हारा मैनेजमेंट स्किल्स है, वो लोग देखेंगे, तुम्हारा एसीबीए भी कोई नहीं देखेगा, द मेन मैटर इज द नॉलेज ऑफ द टेक स्टैक्स। तो इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने थोड़ा थोड़ा टेक स्टैक जान लिया, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसने, बहुत सारे लोग हैं, और जो मेरी टीम है, आई वांट टू लाइक कॉन्ग्रेचुलेट माय मेटावर्स टीम, ठीक है, तो मेटावर्स टीम में मेरे 3 फेलो कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, तो वो है शुभदीप, तो अंकिता, श्रुति, ठीक है, वो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पीछे, ठीक है, वो दे कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी एंड ऑल द थिंग्स। तो तुम्हें एक बहुत अच्छा कम्युनिटी अपना बिल्ड करना भी है, जहाँ पे तुम अपने आप को भी मोटिवेट कर सको, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें जेलसी फील करनी है कि भाई वो कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है भाई, इंस्पिरेशन लो, भाई वो कर सकता है ठीक है मैं कर सकता हूँ, ये भी करूँ भाई इसके बाद में भी तो मैं ये कर सकता हूँ ना, उसके बाद ऐसे ऐसे करके करके, और अनुराग ने बोल ही दिया कि मैं कितने कॉम्पिटिशन कर सकता हूँ और कर लिया है, और लास्ट ईयर में, लास्ट में कुछ एक मंथ पहले मैं गया था स्मार्ट बेंगाल हैकाथॉन में, मेरी जो टीम थी वो फाइनल में भी सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट आई एम नाउ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ अपने बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, आई एम नाउ ए डिसेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके। सो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो टेक बैकग्राउंड से, उसके लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन जो भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी है, डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, अपना फ्रेंड सर्कल चुनो, अपने आप को तैयार करो, टीचर के साथ बात करो, एक अच्छा कम्युनिटी बनाओ, और अपने आप पे काम करना पहले या 2 मंथ बाद में शुरू कर दो, ठीक है, अच्छे से करो, सब कुछ ठीक हो जाए। तो अर्पण, जैसे कि तुम एक वेब डेवलपर हो, इसके अलावा तुम एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर भी हो, यूट्यूब भी ऐसे ऑल्सो, तुमने इतने सारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, यू पार्टिसिपेट इन हेल लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, यू ऑल्सो विन मैनी ऑफ देम, तो इतनी सारी चीज़ें तुम कैसे मैनेज करते हो? मैं चाहूँगा तुम व्यूअर को वो मंत्र बताओ जिससे तुम ये मल्टीटास्किंग करते हो। ओके, सो देयर इज नो लाइक रिटन हार्ड टू फर्स्ट रूल, लाइक नहीं है कि मंत्रा कुछ है, लेकिन हाँ तुम्हें अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस करके जाना पड़ेगा। लाइक पहले पहले क्या होता है, तुम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब घुसते हो, ठीक है, उसके बारे में तुम्हारे पहले आता है कि मुझे कॉलेज में फोड़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे कि हम स्कूल में लाते हैं ना, नहीं 99 आउट ऑफ 100, 97 आउट ऑफ 100, ठीक है,
लेकिन तुम जब कॉलेज में आओगे ना वहाँ पे तुम ये नहीं समझोगे कि मेरा जो कोर करिकुलम है ना वहाँ पे मैं स्कोर करूँ तो मैं बहुत अच्छा कुछ बन गया। लाइक मैंने एक स्टोरी देखी थी जब आईआईटी समथिंग फ्रॉम आईआईटी ही हैज गॉट आई थिंक द गोल्ड मेडल, जो गोल्ड मेडल होता है 10 साल में एक बार बहुत स्टूडेंट ऑफ द ईयर को दिया जाता है, ही हैज गॉट लाइक 10 SGPA, ठीक है 10 DGPA फ्रॉम ऑल थ्रू हिज करियर, बट ही डिड नॉट गेट इवन जॉब, उसको कॉलेज कैंपस से एक जॉब भी ऑफर नहीं हुई, लेकिन उसके साथ जो पढ़ते थे उसको लोगों को जॉब ऑफर हो गई, वो लोग तो 10 DGPA नहीं पाए, वो लोग भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि कॉलेज का कोर करिकुलम मत पढ़ो, कॉलेज का कोर करिकुलम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है तुम्हारा लाइक व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग दे आर लाइक द पिलर्स, दे आर लाइक द पिलर्स जो तुम्हें खड़ा रखेंगे भाई, वो तुम्हारे साथ है जब तक है, तुम 4 ईयर पढ़ो भाई तुम्हारे साथ है वो लोग, अब तुम्हें अपना जो पिलर है उसमें भाई फ्लोर्स बनाने हैं। चाहे तुम लोग हो कि मुझे DSA अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई मैं डेवलपमेंट साइड में नहीं जाऊँगा, DSA अब सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, ठीक है जाओ भाई पाइथन में जाओ, ठीक है भाई पाइथन भाई सी और पाइथन दोनों ही करो, सी और पाइथन दोनों किया, ठीक है उसके बाद अब ओपन सोर्स के बारे में बात हो रही है तो पाइथन के ही प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स में ढूंढ लो, ठीक है पाइथन के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे जाओ, ML सीख सकते हो, Django सीख सकते हो, जो Django आते हैं तुम्हारा वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगा, ठीक है तो इसी तरह तुम वर्क लाइफ बैलेंस भी बनो, ठीक है। और ये सब तो हो गए पढ़ाई की बात, टेक स्टैक की बात, इसके बाद कॉलेज में क्या होता है, हम लोग दोस्त बनाते हैं, उनके साथ घूमना भी होता है, ठीक है वो सब भी बहुत जरूरी है, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा मत घूम, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा घूमता है, ठीक है वो भी बनाओ लेकिन बैलेंस करके चलो, सब कुछ बैलेंस करके चलो भाई, मैंने सारा दिन घूमा ओके भाई सारा रात जब तक वोट करूंगा कोई बात बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्पण बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी मिली होगी ओपन सोर्स के बारे में। हमारी एक कम्युनिटी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहाँ पर अर्पण आपको गाइड कर रहा होगा ओपन सोर्स के बारे में, और मैं अब यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल के आपको बताऊंगा भी कब कौन सा ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन आ रहा है ताकि आप उसे भर सको। सो बहुत अच्छा लगा अर्पण, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।